नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे अलार्म पॉइंट सीरीज पार्ट 5 में। देखिए, हमारे शरीर पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कभी कभी हल्का सा छूने मात्र से बहुत दर्द होता है, या कभी कभी बिना छुए भी दर्द होने लगता है, या फिर कभी कभी वहाँ पर स्किन का कलर चेंज होने लगता है। इनको बोलते हैं अलार्म पॉइंट्स। ये जो है हमारे और अंदर के ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, जो आगे की तरफ होते हैं उनको फ्रंट शू पॉइंट बोलते हैं या एमयू पॉइंट बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ होते हैं उनको बैक शू पॉइंट बोलते हैं। तो ये छाती और फ्रंट साइड में होते हैं, छाती में होते हैं और बैक साइड में होते हैं। इनको जो फ्रंट में है उनको फ्रंट शू पॉइंट, जो बैक में है उसको बैक शू पॉइंट। ये हमारे 12 आगे की तरफ होते हैं, 12 फ्रंट शू पॉइंट होते हैं और 12 बैक शू पॉइंट होते हैं। जो फ्रंट की तरफ होते हैं वो 12 ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, और जो पीछे होते हैं वो भी 12 ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, जिनको मतलब कि जो अंदर के ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, जो हमें संकेत देते हैं टच का, वहाँ पे उस अलार्म पॉइंट पर टच करने से हमें जो अगर पेन हो रहा है तो वो अलार्म पर जाके हमें अंदर जो बाहर के पॉइंट हमें अंदर की बीमारी का संकेत दे रहे हैं कि आपके अगर लंग्स का अलार्म पॉइंट पे पेन हो रहा है तो आपको बता रहे कि आपके लंग्स वीक हो रहा है या लंग्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अलार्म बजाकर वो आपको बता रहा है। तो इस तरह से ये अलार्म पॉइंट्स बहुत काम के, इसके जरिए आप डायग्नोस भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डायग्नोस करना है लंग्स का या स्टमक का, तो स्टमक के जो अलार्म पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, आप वहाँ पे आपको छूने मात्र से पेन हो रहा है तो आप समझते हैं कि मेरी बीमारी जो है स्टमक से रिलेटेड है। और इसके जो अलार्म पॉइंट के जरिए आप तो डायग्नोस तो कर सकते हैं, उसके अलावा आप वहाँ पर ही ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसी पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसका आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि आपके ट्रीटमेंट कितना असर हुआ। उसी पॉइंट पर आप टच करके फिर देखेंगे कि कितना दबाने पर अभी पेन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका इलाज है जो ट्रीटमेंट है वो कितना असर कर रहा है। ये सबके लिए बहुत काम का है। अगर आप एक्यूप्रेशर नहीं भी जानते तो भी आपके लिए बहुत काम का है, और अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए बहुत काम का है। तो ये कॉमन मैन के लिए क्या है कि आपने अगर आपको मालूम है कि जैसे मैं आज बता रही हूँ यूरिनरी ब्लैडर का फ्रंट शू पॉइंट, आपको अगर मालूम है कि यूरिनरी ब्लैडर पे आपने टच किया पेन हो रहा है या बिना टच किए वहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो बीमारी हो रही है उसमें यूरिनरी ब्लैडर मेरा यूरिनरी ब्लैडर जो है वीक हो रहा है, उससे रिलेटेड बीमारी है। तो आप वहाँ पर डायग्नोस आप खुद कर लेंगे, और इसके अलावा आप इलाज भी वहाँ पर प्रेशर देकर किस तरह से प्रेशर देना मैं बताऊँगा, तो वहाँ इलाज भी आप कर लेंगे। और जो थेरेपिस्ट लोग हैं उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और पीछे भी बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ। जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, थैंक यू। तो देखिए, अभी जो पहले आज हमारा अलार्म पॉइंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। ये पॉइंट होता है यूरिनरी ब्लैडर का फ्रंट शू पॉइंट है CV3। CV3 हमारी नाभि से जो है चार चुन की दूरी पर होता है, यानी कि चार अंगूठे की दूरी पर। लेमैन के लिए बता दूँ, चार अंगूठे की दूरी पर। देखिए, ये नाभि है, 1, 2, 3, 4, ये हुआ हमारा CV3 यूरिनरी ब्लैडर का। आप यहाँ पर अगर आपको बिना दवाई दर्द हो रहा है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, या हल्का सा टच करने में बहुत पेन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आप यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट देकर, ये कितना देना है आपको, 5 मिनट के लिए इस तरह से प्रेशर देना है, हल्का सा मसाज टाइप प्रेशर देना है इस तरह से। देखिए, ये दिन में 3 बार प्रेशर देना है। अगर आप लेमैन हैं, एक्यूप्रेशर नहीं जानते, उनके लिए बता रहा हूँ, आपको 3 बार इस तरह से प्रेशर देना है 5-5 मिनट के लिए। जिस तरह से हम दवाई खाते हैं उसी तरह से आपको इसमें प्रेशर देना है, सिंपल इतना। ये आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, रुक रुक के आ रहा है, तो इस पॉइंट को लगाते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है SI, स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट। ये इसको बोलते हैं CV4। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फ्रंट शू पॉइंट है उसको बोलते हैं CV4। CV4 कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ से हमारे 3 चुन की दूरी पर, 3 कुन यानी कि 3 अंगूठे की दूरी पर है, 1, 2, 3, ये है आपका CV4। ये वैसे बहुत काम का पॉइंट है, CV4 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है, नहीं बनाया तो बना दूंगा। वैसे CV मेरिडियन वाले में जाके आप इसके फ़ायदे देख सकते हैं, एनर्जी, ताकत, सब किडनी सबके लिए बहुत काम का पॉइंट है ये, मतलब एनर्जी का काम करता है, मिनरल्स के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है,
पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट। इसको देख के आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी जो छोटी आंत है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप यहाँ टच करेंगे और पेन हो रहा है तो आप समझते हैं कि आपकी छोटी आंत में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ट्रीटमेंट देना, 5 मिनट के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है दिन में 3 बार, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी ठीक हो जाएगी। और जैसे कि जो थेरेपिस्ट लोग हैं उनको कैसे यूज़ करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए तो यूज़ करना है, इसके अलावा वो लोग देख सकते हैं कि गर्दन की कोई प्रॉब्लम है वो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व रहता है। तो जैसे गर्दन की हुआ, नेक में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, उंगलियों में स्टिफनेस हो रही है, तो वो अन्य प्रोटोकॉल के साथ साथ ये भी ऐड कर देंगे और इससे वो डायग्नोस भी कर पाएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही इस बीमारी का जड़ है। तो आप इस तरह से अपने प्रोटोकॉल में इसको ऐड कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट से आप चेक करके बाकी प्रोटोकॉल बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रिपल वार्मर का फ्रंट शू पॉइंट। ये है ट्रिपल वर्मा का फ्रंट शू पॉइंट है, वो है CV5। CV5 कहाँ है? ये है आपकी, देखिए नाभि से 2 चुन की दूरी पर, 2 कुन की दूरी पर, ये देखिए इस तरह से, यानी कि 2 अंगूठे की दूरी पर ये है आपका CV5 ट्रिपल वर्मा का फ्रंट शू पॉइंट। इसको आप यहाँ पर इस तरह से ट्रीटमेंट देना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 5 बार ट्रीटमेंट देना है, 5 मिनट के लिए ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको प्रेशर देना है 5 मिनट के लिए, ये भी दिन में 3 बार देना है। तो ये हो गया फ्रंट शू पॉइंट, मैंने आज बता दिया है। UV का बताया CV3, SI का बताया CV4, ट्रिपल वर्मा का बताया CV5। तो ये मैं पॉइंट आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ सुजोक वालों के लिए, ब्योल मेरिडियन के पॉइंट ये कहाँ पर है। देखिए ये CV मेरिडियन ये होती है, आप लोग जानते हैं मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर में ये CV1 होता है। अभी हमें ढूंढना है CV4 पॉइंट आपका, ये रहा, ये देखिए SI का जो है अलार्म पॉइंट, ये देखिए ये है, और इसके बाद CV5 ये रहा ट्रिपल वर्मर का, लाइन के ऊपर है सेंटर में CV5 है ये, और CV3 यहाँ पर है, ये CV3 है। सो जो पहले के दोनों हाथों में सेम पॉइंट्स रहते CV3, CV4, CV5, ये CV5 है। ये हो गए सुजोक वालों के लिए, दोनों हाथ में रहते हैं। अभी आप इनका यूज़ करके बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप थेरेपिस्ट लोगों के लिए बता दूंगा, अगर आपका बैक पेन का कोई पेशेंट आया है उसको आराम नहीं हो रहा है, तो आप उसके जो है इस पॉइंट पर CV3 पर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उससे जो भी आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं बैक पेन के लिए, हम CV3 यूज़ नहीं करते, लेकिन क्योंकि बैक पेन यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड रहता है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से रिलेटेड तो है ही है, तो आप उसमें किडनी के ट्रीटमेंट तो देते हैं, साथ में आप CV3 पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायग्नोस कर सकते हैं कि यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस बैक पेन की वजह यूरिनरी ब्लैडर का वीकनेस भी है। तो आप ये पॉइंट ऐड करके इसमें ट्रीटमेंट देकर अन्य UV जो पॉइंट है वो भी अपने प्रोटोकॉल में ऐड कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ इस पॉइंट को ऐड करने से भी कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसी तरह आप सब पॉइंट का अपनी समझदारी से यूज़ कीजिएगा, डायग्नोस के तौर पर भी यूज़ कर लीजिएगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे मैं बता चुका हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अन्य प्रोटोकॉल में नेक पेन का ठीक नहीं हो रहा है, फिंगर में झंझनाहट हो रही है ठीक नहीं हो रहा है, आप तो आप CV का जो है CV4 पॉइंट भी ऐड कर दीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत काम के है। इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।